हाय दोस्तों, मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेकिशी। दोस्तों, ये वही दो फ़ोन है जो वर्ल्ड के सबसे फास्ट चार्जिंग होने वाले फ़ोन हैं। यानी ये दो फ़ोन 35 मिनट में ही बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं। क्या ये सही में 35 मिनट में फ़ोन को चार्ज कर देते हैं या नहीं, इसी का आज टेस्ट होने वाला है इसी वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए इसी वीडियो को, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके सही में ये दो फोन ऐसे जो सबसे फास्ट चार्ज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अपडेट सबसे पहले देखते हैं और अगला गिव अवे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के औसम अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस दोनों में जो पहला फ़ोन है वो ओप्पो रिनो एस है, जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। यानी 65 वोल्ट का चार्जर आता है इसी फ़ोन के अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे 4000 मिलियम पावर की बैटरी मिलती है और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रेश रेट। और दोस्तों, ये सबसे फास्ट चार्ज होने वाला फ़ोन है। और दूसरा जो फ़ोन है वो रियलमी एक्स टू प्रो, जो इंडिया में भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो वो है 50 वॉट की चार्जिंग आउटपुट के साथ आता है। वहाँ पे भी 4000 मिलियन पावर की बैटरी मिलती है और दोनों फ़ोन्स के अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट तो मिलती है। दोनों फ़ोन की डिज़ाइन वैसे तो सिमिलर है, अगर आप बैक से देखें तो यहाँ पे सिमिलर कैमरा जो प्लेसमेंट है वही लगा है। और देखें नीचे की यानी बॉटम में देखें तो यहाँ पे 3.5 एम ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट सभी कुछ दिया है, यानी दोनों सिमिलर डिज़ाइन ही दी गई है यहाँ पे। वैसे Realme जो है वो Oppo की सब ब्रांड ही है और Oppo है वो पेरेंट कंपनी है। और दोनों फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और दोनों में 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है। बस चार्जिंग आउटपुट है वो थोड़ी अलग है, एक में 65 वोट की और दूसरे में है 50 वोट की है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू कर देते हैं दोनों फ़ोन्स का चार्जिंग टेस्ट। तो ये है चार्जिंग टेस्ट, लेफ्ट साइड पड़ा है ये है Oppo रिनो एस और राइट साइड है वो आपको देखने को मिलेगा रियलमी एक्स टू प्रो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चेक पॉइंट टाइम है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट तक। यहाँ पे चेक पॉइंट में देखेंगे कितना फ़ोन चार्ज हुआ है। दोनों फ़ोन्स के अंदर सुपर बुक 2.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, जो बहुत ही तेज़ी से फ़ोन को चार्ज करती है। और पहला जो थ्रेशोल्ड यानी पहला चेक पॉइंट है वो 5 मिनट का है। यहाँ पे 5 मिनट में दोनों फ़ोन्स कितने चार्ज हुए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट के चेक पॉइंट पर पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओप्पो रिनो एस करीब 27% तक चार्ज हो गया है और जो रियलमी एक्स टू प्रो है वो करीब 22% तक चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत ही तेज़ी से चार्ज हो रहा है ये कह सकते हैं, 5 मिनट में इतने चार्ज तो बहुत ही बढ़िया बात कह सकते हैं। दूसरा जो चेक पॉइंट है वो 10 मिनट का है, तो 10 मिनट पर पहुँच रहे अभी। और दोस्तों, मैं ये जो दोनों फ़ोन से वो स्विच ऑफ करके चार्ज कर रहा हूँ ताकि पता चल सके कितनी टाइम पे चार्ज होता है, एग्जैक्ट पता चल सके कितने टाइम पे ये दोनों फ़ोन चार्ज होते हैं। अभी दूसरा थ्रेशोल्ड है वो 10 मिनट्स तक, यहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो दूसरे 10 मिनट्स के थ्रेशोल्ड में यहाँ पे देखें अगर तो ओप्पो रेनो एस है वो करीब 50% तक चार्ज हो गया है और रियलमी एक्स टू प्रो है वो करीब 39% तक चार्ज हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो रिनो एस है वो एज आगे ही होने वाला है क्योंकि वहाँ पे 65 वोल्ट की चार्जिंग आउटपुट मिलती है, तो जल्दी ही चार्ज हो सकता है। तीसरा जो चेक पॉइंट आता है वो 20 मिनट्स का आता है। देखते हैं 20 मिनट्स में दोनों फोन्स कहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ये 20 मिनट्स का थ्रेशोल्ड। और 20 मिनट्स के अंदर जो ओप्पो रिनो एस है वो 86% तक चार्ज हो गया है और Realme एक्स टू प्रो है वो 70% तक चार्ज हो गया है। वैसे ओप्पो रिनो जो एस है वो बहुत ही जल्दी से चार्ज होता है क्योंकि 65 वोल्ट का चार्जर है वो। वैसे Realme एक्स टू प्रो भी बुरा नहीं है, वो भी बहुत ही तेज़ी से ही चार्ज हो रहा है। देखते हैं कितने टाइम में दोनों चार्ज होता है। और यहाँ पे वैसे तो पता ही है ओप्पो रिनो एस पहले नंबर पर ही आने वाला है क्योंकि वहाँ पर आउटपुट बहुत ज़्यादा है इसीलिए। और अभी यहाँ पे जो ओप्पो रिनो एस अगर हम देखें तो 28 मिनट्स के ऑलमोस्ट चार्ज हो ही गया है और यहाँ पे ये हो गया है ओप्पो रिनो एस चार्ज 28 मिनट्स और 41 सेकंड्स में फुल चार्ज हो गया है ओप्पो रिनो एस। और यहाँ पे तब तक ये हुआ है 92% तक हुआ है।
और आगे यहाँ पे देखिए तो 35 मिनट्स और 17 सेकंड ऑलमोस्ट यहाँ पे Realme X2 Pro भी फुल चार्ज हो गया है। तो ये बहुत ही तेज़ी से चार्ज, 5-7 मिनट में कोई बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं है, जल्दी ही चार्ज हो जाते हैं दोनों फ़ोन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का, आपने लाइव टेस्टिंग देखा है दोनों फ़ोन्स कितनी जल्दी चार्ज होते हैं, करीब 35 मिनट के अंदर ही चार्ज हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप फ़ोन को स्विच ऑन करके चार्ज करोगे तो यहाँ पे 3-4 मिनट ज़्यादा लगेगी, जैसे कि ओप्पो रिनो एस है वो 28 मिनट्स में चार्ज होता है, तो 3-4 मिनट को करके 31 या 35 मिनट तक मैक्सिमम चार्ज हो ही जाएगा। और वैसे ही रियलमी एक्स टू प्रो का भी वैसा ही है, 2-3 मिनट ज़्यादा रहेगा अगर स्विच ऑन करके चार्ज करोगे तो। तो दोस्तों आपने ये टेस्ट देखा और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कई सारे लोग और कई सारे यूज़र्स मुझे पूछते हैं कि बैटरी कब चार्ज करनी चाहिए, तो अगर आपके पास रियलमी एक्स टू प्रो है तो चार्ज करनी है बैटरी तो कम से कम यार 5% तक आ जाती है बैटरी, तभी चार्ज करो, क्योंकि 5 मिनट में ही 22 या 25% तक चार्ज हो जाता है, तो क्यों 30-40% पे वापस बैटरी को चार्ज करें। अगर आप गेम खेलते हैं तो बैटरी ज़्यादा ड्रेनिंग होती है, लेकिन चार्ज तो आप कम होने के बाद ही करो, क्योंकि बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी अगर कम होने से चार्ज करते हो तो। दोस्तों आप इसी दोनों फास्ट चार्जिंग होने वाले फ़ोन के बारे में क्या सोचते हैं, और दोस्तों यही ओप्पो की सुपर बुक 2.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखना और अगला की ओर देखना है तो शामिल हो जाइए मेरी टेक्नोलॉजी की इसी ट्रिक्स में सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑसम अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, लेटेस्ट टेक के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।